हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल गार्डन ज्ञान। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये वीडियो मैं बनाया हूं आपके लिए पेंडा के ऊपर फर्स्ट लव, उसका गोल्डन और रेड। आइए देखते हैं। ये देखिए आपके सामने है रेड पेंडा, कैसे गुच्छों में खिला है। इसका फ्लावर का साइज तो बड़ा नहीं होता है, लेकिन गुच्छे में आके बहुत बड़ा दिखता है और यूनिक फ्लावर है। देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है। ये थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करता है, 2-3 महीने छोड़ छोड़ के ये फ्लावरिंग करता रहता है। और ये प्लांट इतना पॉपुलर नहीं हुआ है अभी, मोस्टली ये वेस्ट बंगाल कोलकाता वहाँ पे ज़्यादा चल रहा है और बाकी एरिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। ये स्टेम कटिंग से इजीली हो जाता है, फिर भी इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, 80 रुपया से लेके 200 रुपया तक। ये देखिए इसका गोल्डन वेराइटी, ये लाइट येलो लगता है। अभी 2-3 दिन हो गया खिले हुए, इसीलिए थोड़ा फेड हो गया है, नहीं तो जब खिलता है पहले दिन ये डीप येलो में रहता है। ये देखिए ये खिल चुका है। इसमें मैं बोन मील और एनपीके डाल रहा हूँ और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये बहुत बड़ा प्लांट होता है दोस्तों, लेकिन प्रूनिंग करके इसे आप छोटा और घना करके रख सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। पॉट के साइज 12 इंच से बड़ा रखिए। और ये पेरिनियल प्लांट है, हर साल चलता रहेगा। इसका फ्लावर एक बार खिल जाए तो 4-5 दिन लास्टिंग करता है और बहुत कमाल का खूबसूरती है इसका। कमेंट बॉक्स पे आप लिखिएगा आपको रेड ज़्यादा अच्छा लगा या येलो। ये था मेरा पेंडा के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। फिर जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।